हर वो शख्स जिससे आप चिढ़ते हो वो इतनी ताकत रखता है कि वो आपको कुछ सिखा सकता है। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान जरूर डिप्रेशन में आ जाता है। मैं रजनी सचदेवा आज आपको सृष्टि और निष्टि की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सृष्टि और निष्टि फास्ट फ्रेंड होती हैं, दोनों एक साथ ग्रेजुएशन करती हैं और दोनों का मन बनता है कि चलो अब हम जाके एक जॉब करते हैं, और दोनों एक शॉपकीपर के पास जाती हैं और जॉब स्टार्ट कर देती हैं। दोनों ने काम तो शुरू किया, लेकिन दोनों की काम की रफ्तार बिल्कुल अलग थी। निष्टि जो थी वो बहुत आगे बढ़ गई, उसके काम की बहुत सराहना होती थी, लेकिन सृष्टि वो इतनी हार्ड वर्क करती थी, लेकिन उसके काम की कोई सराहना नहीं, उसे कोई नहीं पूछता था, सब हमेशा निष्ठी 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 करते रहते थे। उसकी जेलसी बढ़ती जाती है, और 2 साल बाद ऐसा एक समय आता है कि उसका शॉपकीपर निष्ठी को बुलाता है और निष्ठी को बोलता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है और तुम्हारे को प्रमोशन भी देता हूँ और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देता हूँ। सृष्टि को तो बहुत दुख होता है, फिर भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो 6 महीने फिर भी जॉब करती है और उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो कोई हार्ड वर्क का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो सब फेवरेट का जमाना है। जो इसकी निष्ठी फेवरेट है उसको आगे आगे मिलता जा रहा है, अब उसका दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो शॉपकीपर के पास जाती है और अपना रिजाइन लेटर देती है, कहती है कि यहाँ पे तो कोई हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो जो है सब फेवरेट वाला जमाना है, मैं अब यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती। तो ये तो शॉपकीपर समझता था कि सही में सृष्टि हार्ड वर्क करती है और ये इस गलत फहमी के साथ हमारी शॉप छोड़ के ना जाए। तो वो निष्ठी से कहता है कि निष्ठि तुम भी आओ, सृष्टि तुम भी आओ। तो सृष्टि को एक काम देता है कि सृष्टि तुम जाओ, यहाँ जरा पता तो करके आओ कि यहाँ पे लहंगे कौन सेल करता है। तो सृष्टि कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ और पता करके आती हूँ। सृष्टि जाती है, कहती है फलाना फलाना चौराहे पे एक शॉपकीपर है, वो लहंगे बेचता है। तो उसने कहा किस कॉस्ट में लहंगे बेचता है? तो सृष्टि कहती है ये तो मैं पूछ के ही नहीं आई। जब सृष्टि वहां दोबारा जाती है और फिर आके बोलती है कि जो लहंगे हैं वो 1500 से 9000 तक के लहंगे हैं। तो यही काम अब वो निष्ठि को देता है। निष्ठि से कहता है बेटा जाओ और यहाँ पे पता करके आओ कि कौन है शॉपकीपर जो लहंगे सेल करता है। तो निष्ठी जाती है और बड़े प्रेजेंटेशन के साथ आती है और बोलती है कि फलाना फलाना चौराहे पे वहाँ पे है शॉप और उसके पास 1500 से 9000 तक के लहंगे हैं, यदि हम थोड़े लेंगे तो हमें 50% ऑफ देगा और यदि हम ये बल्क में लेंगे तो 100% हमें मुनाफा मिलेगा, क्योंकि 70% वो हमें वो दे रहा है इसमें। तो वो बोलते हैं कि जो उसके प्रेजेंटेशन होते हैं, तो सृष्टि तो देख के हैरान और एकदम उससे इम्प्रेस हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि सृष्टि और मेरे में क्या अंतर है। ये देखकर उसको जॉब छोड़ने का बिल्कुल फैसला छोड़ देती है। वो कहती है अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, अब मैं यहाँ पे रह के निष्ठि से कुछ सीखूंगी। जो गलती आप और हम लोग करते हैं कि जो लोगों से चिढ़ने लग जाते हैं और लोगों की तरक्की देखकर जेलसी करने लग जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप वर्क कैसा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा भी यदि स्मार्ट वर्क में लेंगे तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो। और जो लोग कुछ तरक्की कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो उसमें ऐसा खास बात है कि जो वो तरक्की कर रहे हैं, यदि हम उनसे जलना और चिढ़ना छोड़ के हम उनका कुछ परसेंट भी अपने से सीखने को लेंगे तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, मानसिक शांति हमें मिल सकती है और हम तरक्की कर सकते हैं। इसलिए हमें आज से ये फैसला करना है कि हमें लोगों से तरक्की करने वाले से चिढ़ना नहीं है, हमें क्या कमी है, हम उनसे क्या सुधार ला सकते हैं, हमें वो सुधार लाना है। इसलिए यदि हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।